हुई, जिसके अंदर 15 परिवाद थे, 6 मुद्दे पुराने थे, 9 नए थे और 15 में से 12 का निवारण हो गया है, 3 को हमने पेंडिंग रखा है। और ये अच्छी बात है कि इस कमेटी के अंदर जो शिकायतें आती हैं अधिकारी उस पर कार्रवाई करके उसका समाधान करते हैं और नए भी शिकायतें आज कमी आई हैं पहले की अपेक्षा। तो मैं समझता हूं कि अधिकारियों को ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि इस समिति में शिकायत आए, अगर वो अपने आप ही समाधान कर दें तो ये अच्छा रहेगा कि जनता की आवाज़ को सुने, जनता की समस्याओं का समाधान करें। और यहाँ पर जो शिकायत आएगी और अधिकारी को जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। क्या वजह क्या है सर, जेपी दलाल यहाँ चेयरमैन बने हैं, दो सुधार हुआ है या अधिकारी सुधर गए हैं? ये तो आप लोगों का काम है ये फैसला करना, लेकिन आपके सामने सारी शिकायतें आती हैं, सामने ही बात होती है। अगर कोई अधिकारी कार्रवाई नहीं करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने को तैयार रहते हैं। और जनता की जो शिकायत आती है, हमारा मकसद ये है कि हर शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान। सर सरपंचों का, सरपंचों की समस्याओं का कोई समाधान होगा? सरपंचों की आज फिर मीटिंग है, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, जितनी मुझे जानकारी उस हिसाब से आज की मीटिंग में होने की संभावना है। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आश्वासन दिया गया उनकी मांगे पूरा नहीं, किसानों के आश्वासन देने के बजाय मैं तो खुद किसान हूँ, किसानों की समस्याओं का पता है। पिछली बार आया था तो किसानों के जो धरने पर बैठे थे उनकी समस्याएं सुनी, उनकी दोस्तों समाधान में कर सकता था मैंने किया। और प्रदेश में जहाँ भी जाता हूँ किसानों से मिलता हूँ और मैं समझता हूँ कि जितनी संजीदगी से हमारा भाग काम कर रहा है उससे किसानों को कोई समस्या नहीं होगी। सर हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरा यह अंतिम इलेक्शन है, आप लोग देखेंगे, आपको क्या लगता है कितनी बार हो रहा है? अब ये तो हुड्डा साहब से पूछिए, उनका अंतिम है या बीच का है या बाद में होगा, ये भावनात्मक जो तरीके से वोट मांगने का तरीका है। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से जन कल्याण के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों की नीतियाँ बना के हो रहे हैं, बगैर भेदभाव की नौकरी मिल रही है, किसानों को इतना पैसा मिल रहा है, किसानों का बजट बढ़ाया है, तो उससे मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद। सर नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, पेंडिंग है गुड़गांव में, बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना भी चाहिए। और हमारी नीति है कि स्थानीय सरकार है, चाहे नगर निगम हो, पंचायतें हों, पंचायत समिति हों, उनको हम अधिकार बढ़ा रहे हैं, जिला परिषद के अधिकार भी बहुत बढ़ाए हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं और इससे सही मायने में लोकतंत्र मजबूत होने का। बीजेपी तैयार है इलेक्शन के लिए? 24 सर दूर नहीं है, 23 आ चुका है, और इलेक्शन के लिए कितनी तैयार है बीजेपी? देखिए हर पार्टी को जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो तैयारी तो करनी पड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में तैयारी नहीं करती। हर वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में तत्पर रहता है और उसी का परिणाम है कि लोग आशीर्वाद बार बार देते हैं। विपक्षी पार्टी दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे 24 में? नहीं, दावा करने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, असली तो फैसला जनता को करना है और जनता बार बार जो रिजल्ट देती है, विपक्षी पार्टियां कभी मशीन में खराबी बताती हैं, कभी और चीज़ बताती है और कभी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, तो इस तरह की बात वो कहते रहते हैं। लेकिन आज भारत का जो प्रभाव दुनिया के अंदर बढ़ा है, नरेंद्र मोदी जी का जो रुतबा है और हमारी GDP तेज गति से बढ़ रही है, हमारी ताकत बढ़ रही है, आम जनता खुश है कि उसके द्वारा बनाई गई सरकार जो उसकी अपेक्षाएं थी उसको पूरा उतर रही है। एक यात्रा कांग्रेस की पहले हुई, एक यात्रा अभी इनेलो कर रही है, सर कितना? देखिए लोकतंत्र में सभी पार्टियों को हक है अपनी यात्रा करें, प्रचार करें, जलसे करें, जुलूस करें और लोगों को अपनी बात रखें, प्रभावित करें सबको। दूसरी बार, अभी पहली बार हुआ है, दो बार हो रहा है। जो हमने लोकसभा की तरीके से लोकसभा की परंपरा थी, बजट एक सत्र में पेश करते थे, बीच में रिसेस होती थी, उसमें सबको बजट पढ़ने का, उसकी कमियां ढूंढने का या विषय ढूंढने का समय मिलता था। और यह एक अच्छी परिपाटी की है कि हरियाणा ने भी ऐसा ही किया है और दूसरा सत्र 17 से 21 तक होगा जिसमें बजट पास होगा। सरसों और गेहूँ की खरीद को लेकर क्या व्यवस्थाएँ हैं सरकार की? सरसों तो हमने एफेड को बोल दिया 15 तारीख से शुरू करे और अगले 4-5 दिन में जब हमारी और प्रबंध हो जाएगा तो रेगुलर परचेज भी शुरू करेंगे। गेहूँ की 1 तारीख से करेंगे और हम किसानों के लिए पेमेंट भी जल्दी करेंगे, उनको सुविधाएं भी देंगे, हम तत्पर है, तैयार है, महकमे को बोलते हैं। ठीक है सर।